नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एप्लीकेशंस है ना, देर आर क्वाइट स्प्रेड इन ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड्स दैट वी आर मेनली कंसर्न। तो यानी ये नहीं है, इसका बस मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दिया जाए कि कितनी इम्पॉर्टेंट फील्ड है और किस तरीके से पिछले 50-60 ईयर्स के अंदर इतना ग्रो कर गई है और अब इतनी मेनली कंसर्न है कि आप एनी वन इज़ बेसिकली यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो एरिया है जिसके अंदर हम इसे यूज़ करते हैं वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम इसके ऊपर बात करें कि किस तरीके से यूज़ हो रही है, तो सबसे बेसिक काम जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कर रही होती है वो एसी टू डीसी कन्वर्जन है। और अगर इसको आप थोड़ा सा समझें कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं जो आपके घर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, आप स्टार्ट करें तो आपके पास टीवी सिस्टम यूज़ होते हैं, एलसीडीज़ हैं, एलईडीज़ हैं, इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूज़िक प्लेयर्स हैं लाइक एमपी3 प्लेयर्स हैं, डीवी नए जो आपके पास आ रहे हैं बस मोबाइल्स के अंदर की सारी चीज़ें मोबाइल्स हैं, हैंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो आपके घर के अंदर एग्जिस्ट करता है वो सारा का सारा इट इज़ ऑपरेटिंग ऑन डीसी, ऑपरेटिंग ऑन डीसी। वेयर एज जो आपको यूटिलिटी है, आपके घर को पावर प्रोवाइड कर रही है यूटिलिटी, वो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल पावर आपको प्रोवाइड की जा रही है, इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइडेड टू योर होम्स इज ऑल एसी। एंड नॉर्मली द स्टैंडर्ड वी आर फॉलोइंग इन पाकिस्तान वो बेसिकली है 220 वोल्ट एसी, आरएमएस वोल्टेज होती है एंड इट इज़ ऑफ 50 हर्ट्ज। सो ऑब्वियसली आपके घरों में तो इसका मतलब ये कि सबसे बड़ी पावर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है कि आपका सारा जो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं या डिफरेंट जो चीज़ें आप यूटिलाइज कर रहे हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, वो सब की सब ऑपरेट हो रही है डीसी के ऊपर और आपको जो यूटिलिटी है वो जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो है आपके पास एसी में। तो यहाँ पर तो सबसे जो बड़ी एप्लीकेशन है वो ऑब्वियसली आपके जो रेक्टिफायर सर्किट्स हैं, जो मेन कन्वर्टर्स हैं, तो आप देखेंगे कि वो हर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके अंदर कन्वर्टर्स जो है वो लाजमी लगा हुआ, इसके अलावा चॉपर्स लगे हुए होते हैं, अदर पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं। यहाँ तो सबसे पहली जो चीज़ है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें समझ आ गई कि जब भी आप घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आपका टीवी है या एलईडी या एलसीडी है, इसके अलावा आपका कोई म्यूज़िक प्लेयर है, इसके अलावा अगर आपके सिस्टम घर के अंदर और कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगी हुई है, तो उसमें जो सबसे आपका मेन रोल है वो आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्ले कर रही है। सेकेंड जो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है वो है मोटर्स के हवाले से, मोटर्स। और मोटर्स में जो है आपको करना पड़ती है कंट्रोल, यू हैव टू इन्वॉल्व कंट्रोल ऑफ इट्स स्पीड और इसकी आप मोटर के, क्योंकि ये मैकेनिकल इक्विपमेंट होती है, इसकी स्पीड आपको कंट्रोल करनी पड़ सकती है, आपको इसकी टॉर्क कंट्रोल करनी पड़ सकती है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको इसकी पावर कंट्रोल करनी पड़ती है। असल में ये दोनों भी जो हैं ये पावर कंट्रोल से रिलेट कर जाते हैं। तो हमने तो पढ़ा यही है कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ यूज फॉर पावर प्रोसेसिंग, तो पावर प्रोसेसिंग है तो मोटर कंट्रोल जो है वो अदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और इसमें अगर हम देखें तो इनिशियली जो सबसे पहली एप्लीकेशन जिसके अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ का सबब बनी वो बेसिकली आपके पास डीसी ड्राइव्स थी। पहले आपके पास डीसी ड्राइव्स आई, ड्राइव्स जो हैं बेसिकली वो सर्किट्स होते हैं जो ड्राइव कर रहे होते हैं मोटर को, एंड उसके बाद फौरन ही आपके पास एसी ड्राइव्स आ गई, क्योंकि आपके पास एसी मोटर्स जो थी वो ज़्यादा थी इंडस्ट्री के अंदर। जैसे लाइक आपका जो मेनली इंडस्ट्री का वर्क हॉर्स था वो इंडक्शन मोटर थी, तो इंडक्शन मोटर के लिए आपके पास ड्राइव्स आ गई। ड्राइव्स क्या करती हैं कि बेसिकली दे हेल्प इन कंट्रोल स्पीड, टॉर्क और पावर कंट्रोल प्रोवाइड करती हैं मोटर्स के हवाले से, और ये सारी जो सर्किटरी है ये बहुत अहम हो जाती है। इवन ये जो मोटर्स हैं ये आपके घर के अंदर भी लगी हुई हैं, जैसे सिंपल सी बात करता हूँ, आपके पास जो घर के अंदर वॉशिंग मशीन है उसके अंदर भी एक मोटर इन्वॉल्व है, आपके घर में जो फैंस लगे हुए हैं सीलिंग फैन उसके अंदर मोटर इन्वॉल्व है, आपके घर में जो HVAC का सपोर्ट है यानी जो आपके पास कंडीशनिंग के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, दे मे बी इन्वर्टर बेस्ड और नॉर्मल एसी जो आप यूज़ कर रहे हैं स्प्लिट टाइप या
विंडो टाइप, वो सारों के सारे अंदर जो मोटर्स लगी हुई हैं, यू नीड टू कंट्रोल दोज मोटर्स, देयर इज इन्वॉल्व पावर टॉनिक्स भी, वहाँ पे पावर टॉनिक्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर यहाँ, और ये वो एरिया है जो ना सिर्फ ये कि हाउस होल्ड बल्कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व कर देता है, जो मोटर कंट्रोल की है। अच्छा, आजकल एक और बड़ा एरिया जो है वो डेवलप हुआ है और बड़ी दुनिया जो है वो उसके पीछे भी चली गई है, कि आपके पास जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आ रहे हैं, एनर्जी सोर्सेज। और अगर मैं आजकल जैसे जो चल रहा है उसमें देखें तो हमारे पास जो सबसे बड़ा जो चल रहा है वो पीवी और सोलर पैनल्स जो यूज़ किए जा रहे हैं, या सोलर एनर्जी को जो आप कन्वर्जन कर रहे हैं इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके अंदर भी जो आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके अंदर भी आपको पावर कन्वर्जन चाहिए, क्योंकि देखें आपके पास सिंपल सी बात है, अगर आप सबसे पहले आप इसको जो पीवी पैनल्स हैं या सोलर पैनल्स जो आप यूज़ करते हैं टू बेसिकली जनरेट पावर, तो ये जनरेट करते हैं डीसी के अंदर, सबसे बड़ी चीज़ ही है। तो आप जब डीसी के अंदर जनरेट करेंगे तो लेकिन जो आपकी जितनी भी घर की इलेक्ट्रॉनिक्स है, जितना भी घर का यूज़ है, सपोज वी आई एम टॉकिंग अबाउट द रेजिडेंशियल, इवन कमर्शियल की बात करूँ या इंडस्ट्रियल की भी बात करूँ, तो वहाँ पे जितना भी जो चीज़ें जिन चीज़ों ने वो उस एनर्जी को यूज़ करना है वो सारी की सारी एसी सिस्टम्स, एसी है द लेआउट इज एसी, सो यू नीड टू डी पावर कन्वर्जन आप। और वो लाजमी बात है कि देखिए जब भी आप कोई सोलर पैनल या पीवी पैनल इंगेज करते हैं उसके साथ आपको एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली यू कैन गेट द नेम ऑफ इट, इट इज़ बेसिकली डीसी टू एसी कन्वर्जन, एंड द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन्वॉल्व देयर। तो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स में जैसे मैंने पीवी सोलर पैनल्स की बात करी, दूसरी बहुत आजकल बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है आ रही है विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी जिसके अंदर विंड टर्बाइंस लगाई जाती हैं, फिर आपके पास हाइडल की टर्बाइंस हैं वो तो शुरू से ही लगी हुई है, हर तरीके से वो कन्वर्जेंस कर रही हैं, तो वहाँ पे आप ऑब्वियसली वहाँ पर भी आपको ये कन्वर्जेंस इन्वॉल्व करनी पड़ती है, पावर टॉनिक्स वहाँ पर भी इन्वॉल्व हो गई है। तो एक और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, एक अच्छा एक बड़ा आजकल पाकिस्तान में भी इस चीज़ पर बड़ा चल रहा है वो है पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन यानी पावर को एक एरिया से दूसरे एरिया तक ट्रांसमिट करना, और इसमें जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, HVDC ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ट्रांसमिशन क्या है, मतलब ऑब्वियसली होता यही है कि अक्सर औकात जो आपकी पावर जनरेशन होती है वो किसी और एरिया में हो रही होती है, और जो आपका मेन लोड होता है सिस्टम का, पावर सिस्टम का जो लोड होता है वो किसी और जगह पे लोकेटेड होता है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द जनरेशन साइड टूवर्ड्स द लोड साइड, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रांसमिशन इन्वॉल्व हो जाती है। और इसकी जो सबसे मॉडर्न फॉर्म जो आजकल चल रही है वो है HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम, पाकिस्तान का मेरे लिहाज से फर्स्ट जो है वो लग गया है, और आई थिंक सो अगर वो इस वक्त जो है वो वर्किंग में आ गया है तो ये एक बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान की ट्रांसमिशन में एक बहुत बड़ी अपग्रेड है कि वी विल बी यूजिंग HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम। बहुत लॉन्ग रेंजेस पे आप ट्रांसमिशंस कर रहे होते हैं तो इसके लिए ये सिस्टम, और इसके अंदर भी पावर कन्वर्जन वही, क्योंकि वो जनरेशन जो जिस जनरेटिंग साइट है अगर उसने AC जनरेट की है और आपने ट्रांसमिट करनी है तो पहले आपको उसको DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये HVDC सिस्टम को यूज़ करते हुए आप ट्रांसमिट करेंगे, और अदर अदर साइड आपको DC को लेके AC में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर अपने लोड को देना पड़ेगा। तो जहाँ पर भी पावर कन्वर्जन आएगी वहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक सी थिंग, और भी बहुत सारी हैं, यू कैन ऐसे मैंने इनिशियली स्टार्ट करते हुए भी मैंने आपको एक एप्लीकेशन जैसे मोबाइल चार्जर की दी थी, तो दीज आर मैनी एप्लीकेशन एरियाज वेयर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज बीइंग यूज्ड इन आवर नॉर्मल लाइव्स। मैंने बताया आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी रेजिडेंशियल सिस्टम्स के अंदर भी हैं, कमर्शियल में भी हैं, और इंडस्ट्रियल में भी हैं, एंड इवन इन द मिलिट्री डोमेन्स एज वेल। तो ये था थोड़ा सा हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन के हवाले से बात थी। थैंक यू।